अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडेशंस के हवाले से। फाउंडेशन जो है वो कई डिज़ाइन के हैं, तैयार की जा सकती हैं या आपको तैयार दिखेंगी मिलेंगी। तो हमने जो सबसे पहले तैयार की थी वो ये थी, थ्री पीसेस में, यानी कि डेवो रेसर पर कार्बोरेटर लगाने के लिए जो फाउंडेशन आमतौर पर तैयार की जाती है, सुजुकी मेहरान का कार्बोरेटर लगाने के लिए वो ये होती है। ये तीन पीसेस में तैयार होती है, नीचे की प्लेट होती है। ये मटेरियल आप पे डिपेंड करता है, आप जितना मोटा पतला यूज़ करना चाहें, जो भी गेज की चादर आप लगाना चाहें, मेटल शीट जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो उसी के हिसाब से ये अंदर की जो ये पतरी है ये भी मोड़ी जाती है इस तरह चारों तरफ, और उसी मटेरियल की ये ऊपर प्लेट लगाई गई है। इसमें दो सुराख बनाए गए हैं। ये दो सुराख आप ना भी बनाएं तो कोई मसला नहीं, आप एक सिंगल होल भी बना सकते हैं यहाँ पे, इस तरह बड़ा, इस तरह का। ये देखना इधर, इनका मकसद एक ही होता है, यानी कि यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है इनलेट में जाता है, सिलेंडर की तरफ जाता है, यानी कि पिस्टन्स की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है फाउंडेशन के बारे में। तो मैंने जो पहला डिज़ाइन तैयार किया है वो ये है, ये वाला। और जो दूसरा डिज़ाइन मैं तैयार कर रहा हूँ वो मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, ये आप देख लें। ये दीवार की लकड़ी है, आप कोई भी लकड़ी यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। ये इसकी जो है ना गैस्केट है, इसी की मदद से हमने ये ड्राइंग इस पर बनाई है। तो एक फाउंडेशन ये है और दूसरी जो है हम इस तरह से बनाएंगे। ये देख लें, ये नीचे का बेस है डेवोरेसर का, इंजन का बेस है। तो जो दूसरी फाउंडेशन मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो इस तरह की है, यानी कि दूसरी फाउंडेशन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। ये देख ले, इसको हम काटने के बाद इन यहाँ पर, यानी कि सुराख वगैरह बनाने के बाद, इस प्लेट को तैयार करने के बाद हम इस प्लेट के साथ इसको वेल्ड करेंगे। जब हम मेटल की बना लेंगे तो हम इन दो पीसेस को आपस में वेल्ड कर देंगे। ये जो आप होल देख रहे हैं ये डेवोरेसर के जेन्युइन होल हैं जो उसमें होते हैं वहाँ पर। तो एक फाउंडेशन ये है नंबर वन जो थी, दूसरे नंबर पर ये है, यानी टू पीसेस में। यहाँ पर फिर इसको वेल्ड किया जाएगा, इन हिस्सों को यहाँ पर इस तरह वेल्ड किया जाएगा चारों तरफ। तो एक फाउंडेशन ये होगी और जो दूसरी है वो सिंगल पीस में होगी, यानी कि सिर्फ यही पीस होगा मेटल का। ये तकरीबन 1 इंच के करीब इसकी मोटाई होगी मेटल शीट की। तो उसमें ये जो होल आप देख रहे हैं ना, ये वाले, ये कार्बोरेटर के होंगे ये, और ये जो निशान लगे हुए हैं प्लस वाले निशान, ये चार निशान, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा होल किए जाएंगे। यही प्लेट फिर वहीं लगेगी, यानी कि जहाँ पर डेवोरेसर का भेस होता है, या आप इसको भेस समझ लें, तो यहाँ पर जो है सुराख किए जाएंगे इस जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, सेम इसी पॉइंटों पर। तो ये सिंगल पीस फाउंडेशन भी तैयार की जा सकती है। तो सिंगल पीस की तैयारी भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बस फिर डेवोरेसर में इस जगह पे सुराख करने पड़ेंगे आपको, ये चार, एक इधर, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे बोर्ड्स लग जाएंगे। और जो कार्बोरेटर जहाँ पे लगेगा यहाँ पे सुराख करके इस प्लेट में चूड़ियाँ बनाई जाएंगी और उनमें स्टड लगा दिए जाएंगे। स्टड लगाने के बाद ऊपर नट के जरिए जो इन पर कार्बोरेटर फिक्स किया जाएगा। तो अभी मैं इन पर काम शुरू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जब मैं इनको बना लूँगा, इन मॉडल्स को, तब आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगा। और अगर आप इस तरह की बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दूँगा वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस आपको यही समझाना दिखाना था कि आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये कई तरह के डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह की करें, इस तरह की भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये काम के लिहाज से डिपेंड करता है, क्योंकि इस फाउंडेशन में जो काम बढ़ जाएगा इस वाले में, ये जो सिंगल प्लेट में होगी, इसमें डेवोरेसर के बेस में भी हमें चार सुराख करने पड़ेंगे। तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये काम करूंगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह जो है मैं इन पे काम करता हूँ, इनकी फाइलिंग वगैरह, इनमें होल्स बनाना, इनकी कटिंग वगैरह किस तरह की जाएगी। और फिर मैं इन दो पीसेस को आपस में इस तरह जोड़ के भी आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर सुराख कर लेंगे, इस जगह पर भी सुराख कर लेंगे हम, जो इसमें हुआ भाई ये वाला, और मैं ये आपको जोड़ कर भी दिखाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।